हमेशा शांति स्थिति में हो जाएंगे, झगड़ा नहीं हो जाएगा। आदरणीय बंधुओं, एक बार इस खेल को दोबारा से शुरू करेंगे, रोक दो बीच में, और आप लोग एकदम सावधान खड़े हो जाए। हम लोगों ने जिस मिशन को लेकर के चले, अगर वो सफल नहीं आए तो इतना पैसा खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जिस विचार से इस खेल का आयोजन करवा रहे हैं उसके पीछे एक मकसद है, और बिना मकसद के हम लोग खेल नहीं करेंगे। ये जो आप लोगों ने खेल शुरू किया है, इसको आप लोग एक ट्रायल मान करके बंद करें। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस खेल का शुभारंभ जनगण मन से किया गया और जल्दीबाजी में किया गया, ये गलत है। थोड़ा सा चूक हुई हमसे कि मैं आया और माइक हाथ में नहीं लगा। बंधुओं, जनगण मन से खेल की शुरुआत बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं इसका पक्षधर नहीं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं, मेरा काम है राष्ट्रीय और वैधानिक विधियों पर चलना। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, भाई खिलाड़ी भाइयों सारे एक बार शांत हो जाओ। हमारे देश की परंपरा राष्ट्र के सम्मान की है, तो इसलिए हम सबको जनगण मन गाकर के देश का अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये देश का अपमान है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ये सिंध क्या भारत में पड़ता है भाई? कोई जवाब दो। जब ये पाकिस्तान का प्रांत है ये सिंध, तो फिर इसका राष्ट्र के शौर्य के लिए क्या मतलब है? मैं इसका पक्षधर नहीं, बेशक इसके लिए मुझे जेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आओ हम अपने खेलों को राष्ट्र के शौर्य और पराक्रम की एक जबरदस्त परिभाषा सिद्ध करने के साथ साथ इन खेलों को पुनः शुरुआत करने का एक आयोजन करेंगे। मेरा गला खराब है, पिछले कई दिनों से लगातार बोलना पड़ रहा है, तो इसलिए जैसा भी मेरी आवाज है, हम लोग अपने देश के सम्मान के साथ इस खेल को पुनः प्रारंभ करेंगे। आप लोग सब एक बार सावधान खड़े हो, राष्ट्र गान के साथ नहीं बल्कि राष्ट्र गीत के साथ प्रारंभ करेंगे खेल, क्योंकि ये जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज था, उसके सम्मान में गाया गया है। जनगण मन अधिनायक जय है, ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया गीत है। मैं इसको मेरे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक नहीं मान सकता। आप लोग मानना है तो मानिए, लेकिन मैं तो अपने वंदे मातरम को मानता हूँ, और मेरे साथ सावधान खड़े होंगे। हम किसी स्पीकर से नहीं बल्कि खुद अपने मुख से अपने खेल का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल सावधान खड़े हो जाए। बोलिए दादा कलापीर जी महाराज की। राष्ट्र के सम्मान में मातृभूमि के प्रति अपने समर्पितता अर्पित करते हुए बिल्कुल सावधान खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुप्रज्वत स्ना पुलकित यामिनीम फुल्कसौमित द्रुमदल शोभिनीम, फुल्कसौमित द्रुमदल शोभिनीम, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोले भारत भूमि की, भारत वतन की, भारत राष्ट्र की, अखंड भारत की, अखंड राष्ट्र की। आप सबको इस खेल के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, मैंने अपमान नहीं किया बल्कि एक सच्चाई बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने जीवनी में कहा है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती मेरे से यह हुई है कि मैंने जनगण मन लिखा, और वो इस देश ने अपना स्वार्थ मानते हुए राष्ट्रीय सम्मान में उसको लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए इस गलती को हम तो स्वीकार नहीं करें। आप राष्ट्रगान को नहीं राष्ट्रगीत को महत्व दें, शुभारंभ करें खेल का। बोलो दादा कालापीर जी महाराज की। धन्यवाद गुरु जी, हमारे को सही रास्ता आपने दिखाया, आगे भी हम कोशिश करेंगे। वंदे मातरम का गीत तुम्हें शुरू करेंगे जरूर, ऐसी बात होगी।